नमस्कार दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच आज खत्म हुआ। इंडिया ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया है और ये टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका का वो घमंड भी तोड़ा जिसमें साउथ अफ्रीका ये हमेशा से बहुत पहले से कहती रहती है कि कोई टीम में इसमें नहीं हरा सकता। ऐसे तो ये टेस्ट मैच 5 दिन का खेलना था, लेकिन दोस्तों ये मैच सिर्फ 5 सेशन ही चला, मतलब 1 दिन और आधा है ना। इस सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका का ये फैसला था कि वो पहले बैटिंग करेंगे, जो कि शुरुआत से ही उसके लिए काफी खराब साबित हुआ और वो सिर्फ 53 रन ऑल आउट हो चुकी थी। इसके बाद इंडिया जब खेलने उतरी तो इंडिया ने भी काफी अच्छी शुरुआत किया और 153 रन, एक समय इंडिया के सिर्फ 4 विकेट थे, लेकिन इसके बाद इंडिया का आपको पता ही है उसके अगले 6 विकेट इंडिया ने 0 रन बना के गवा दी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का अगला 6 विकेट इंडिया ने सिर्फ 0 रन बनाए। ये अभी तक के इतिहास का ये रिकॉर्ड है दोस्तों कि कोई भी टीम अपना आखिरी का 6 विकेट बिना रन गंवाए नहीं। दोस्तों जीत के हीरो रहेंगे, सेकेंड इनिंग के हीरो रहेंगे जसप्रीत बुमराह और फर्स्ट इनिंग के हीरो रहेंगे तेज गेंदबाज मियां मैजिक, जिन्होंने 6 विकेट लिए, अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पंडे भी इससे रूखे सूखे पिच पर अच्छा बैटिंग करता करने की कोशिश की और विराट कोहली को हम फिर से इस मैच के स्तंभ कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत इंडिया ने ये स्कोर 153 तक पहुंचे थे, वरना इतना बड़ा स्कोर वो नहीं अटेंड कर पाते दोस्तों है। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसके बाद जो है 1-1 पर खत्म होने के बाद इंडिया का मनोबल काफी बढ़ेगा दोस्तों। इस मैच के बाद इंडिया का मनोबल काफी बढ़ेगा और आने वाले सीरीज में हम देखेंगे कि न्यू युवा टीम है जिसमें जयसवाल ने कुछ खास बैटिंग नहीं किया, लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जयसवाल एक उभरते हुए बैट्समैन, अय्यर एक उभरते हुए बैट्समैन, शुभम गिल एक उभरते हुए बैट्समैन हमारे नीचे हमारे समक्ष नजर आएंगे। और हम आशा करते हैं कि इसके बाद जो भी मैच, जो पूरी टीम के साथ जो मैच होगा, ये विदेश में जो मैच होंगे उसमें इंडियन टीम एक काफी अच्छी प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप की जो से इन छोटी छोटी जीतों से एक बड़ी जीतों से इन जीतों से वो इसे भुलाने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों और ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।